अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और आज की हम इस एपिसोड एक और एपिसोड में कॉफ़ी विद गौहर के साथ एक और लाइफ कोच के साथ हाजिर हैं। वो और अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो गौहर साहब की होगी। गौहर साहब ही अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गौहर शरीफ, मास्टर लाइफ कोच, वंस अगेन लाइव ऑन फेसबुक लाइव कॉफी विद गौहर। एंड टुनाइट माय गेस्ट इज नन अदर देन हिरम इरशाद। इरशाद, थैंक यू सो वेरी मच। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ और आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई गॉट टू सी यू, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन। ग्रेट। तो आजकल क्या हो रहा है आपके एकेडमिक फ्रंट पे और वो स्कॉलरली फ्रंट पे? पहले कुछ चीज़ें स्लो थी बट अभी पिछले एक महीने से चीज़ें थोड़ी पेस अप होना शुरू हुई हैं। थोड़ी सी कोचिंग और काउंसलिंग की ऑप्शंस भी अब बढ़ी हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है और एंजाइटी लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो उसमें भी काफ़ी जो है वो हमें करने के लिए काम मिलता रहा है। और जहाँ तक एकेडमिक परसूट्स हैं, आई हैव जस्ट सबमिटेड माय PhD थीसिस, सो वो मेरे लिए एक माइलस्टोन अचीव हुआ है और आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि होपफुली इन अदर 3 मंथ्स आई विल बी हैविंग माय डॉक्टरेट। सो जबरदस्त। तो क्या आपने स्पेसिफिक क्या एरिया पिक किया था डॉक्टरेट? गौर साहब, मैंने एक्चुअली ऑप्टिमिज्म इंटरवेंशंस डिज़ाइन की हैं, रेजिलियंस लोगों के अंदर, खासतौर पर यूथ को रेजिलियंट बनाने के लिए हमें और उनकी सेल्फ इस्टीम को बेहतर बनाने के लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मैंने एक्चुअली डिज़ाइन किए। एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी मेरी इस सारे एरिया के ऊपर मैंने काम किया। जबरदस्त। तो कब हम आपके नाम के साथ डॉक्टर इरम देखेंगे? Hopefully, expected to 3 months hai, but maybe it might get stretched because of this corona, but hopefully within this year. All the best. Thank you so very much. आज हम बात करेंगे COVID-19 के हवाले से, relationship के हवाले से। और COVID-19 जब से शुरू हुआ उस वक्त से बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, फेसबुक पे भी मैंने पढ़ा, बहुत सारे अदर ग्रुप्स में भी मैंने पढ़ा कि रिलेशनशिप्स पे बहुत सारा लोगों ने एम्फसिस किया हुआ था, बात कर रहे थे, बात सुनना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड्स में रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए थे, ब्रेकअप्स हो रहे थे रिलेशनशिप्स के, और फिज़िकल वायलेंस की तरफ काफ़ी रुझान बढ़ता जा रहा था। तो आपने क्या देखा इस पेंडेमिक के दौरान? मेरा गौर साहब, एक तो सबसे पहले टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। मैं अगर हैप्पीनेस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसमें और अपनी ऑडियंस को थोड़ा अप्राइज करूं तो जो हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, उनमें से पिलर जिसको हम कहते हैं, अगर 3 पिलर्स हैं तो ये सबसे बड़ा पिलर है जिसमें से हम खुशी एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो अगर हमें इस तरह के क्राइसिस, जो कि ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हमें देखने को मिला, तो इसने हमें वापस हमारी असास के साथ, यानी हमारी फाउंडेशन को जो है ना, इसने टेस्ट किया है। तो जितने भी रिलेशनशिप ऑब्वियसली हम जो है वो, चाहे हमारे माँ बाप के साथ ताल्लुक है या हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप हैं, वो ये जो वक्त है ये टेस्टिंग टाइम है, उनकी क्वालिटी, उनकी डेप्थ को असेस करता है। सो अगर हम ये मानना है हमारा कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, अगर यहाँ कुछ चीज़ जो है वो ऊपर नीचे होती है तो ये सबसे बड़ा सोर्स है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का भी। आप भी जानते होंगे जो डेली आप अपने कोचिंग सेशंस में और काउंसलिंग करते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखने में आती है, जब आप एक काम के हवाले से लोग जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और दूसरा उनके रिलेशनशिप का जो है वो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। दूसरा जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, जो नई नॉर्मल लाइफ हम जिसके साथ अभी तक हम पीस मेकिंग नहीं कर सके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अभी भी जो है वो अपनी उस इस उम्मीद के साथ हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, पहले जैसे हो जाएंगी।
सो आई थिंक हमें अब इस नई सिचुएशन के साथ जो है वो ट्रांजिशन लेनी चाहिए, और अगर किसी भी वजह से हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करना पड़ रहा है तो बजाय हम अपने क्रिटिकल इश्यूज़ को एस्केप करने के, आई थिंक हमें उनको एड्रेस करना चाहिए. और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी रिलेशनशिप को रीडिफाइन करें, रीओरिएंट करें, आपके क्या गैप्स हैं, आपके क्या इसमें स्ट्रेंथ्स हैं, उन सारी चीज़ों को रीइवैल्यूएट करें. सो टॉपिक जो है वो रिलेशनशिप का मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम है, और ये सबसे ज़्यादा गौर साहब मार्जिनलाइज टॉपिक है. हम इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी परसेप्शन ये है कि ये बने बनाए होते हैं, या किस्मत से मिल जाते हैं या किस्मत से नहीं मिलते. मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी यही कहती है कि आपको अच्छा रिश्ता, परफेक्ट रिश्ता बनाना पड़ता है. सो अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप उस पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आपका कभी परफेक्ट रिश्ता नहीं बनेगा. सो जो हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं अपने स्पाउस को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, वो उनको कोई टेलीपैथी नहीं आती. प्लीज उन्हें कन्वे करें आपकी वॉन्ट्स, आपकी नीड्स, आपकी डिजायर्स रिलेशनशिप को लेकर क्या है. और एक और चीज भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है. गौहर साहब के लोग हमें कहें कि जी ये बड़े रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ये क्या जानते हैं. आप अगर अपना लिटरेचर उठाकर देखें, सादत हसन मंटो को देखें, जो है आपकी किश्वर नाही, इतने लिटरेचर में नाम है जिन्होंने ह्यूमन नेचर, मैन एंड वुमेन नेचर के ऊपर लिखा है. इस्मत चुगताई को आप देखें, इशफाक अहमद को देखें, ये सारे लोग आपको किस चीज़ की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपको ह्यूमन नेचर को जानना बड़ा ज़रूरी है. तो ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा भी कल्चर है. आपका रिलीजन कहता है कि आप बहुत जो है सॉलिड रिलेशनशिप बनाइए, ये शैलो रिलेशनशिप जो ऊपर ऊपर से हमने कमर्शलाइज बिजनेस डील्स बनाई हुई है, ये इस तरह के पेंडेमिक में ऑब्वियसली वो सर्वाइव नहीं करेंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, वो फॉल आउट कर जाएंगे. बिकॉज जिस मकसद के लिए आप जुड़े थे, वो मकसद की अब वो जरूरत ही शायद नहीं रही. डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रही हैं इरम. आई वुड टेक अ स्टेप बैक, मैं जरा इससे पीछे से शुरू करूंगा ये सिलसिला. पाकिस्तान में अगर हम लें तो पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी समाजी इकदार हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये एक किस्म का इरोजन की तरफ जा रहा है बहुत तेज़ी से. और जो किसी ज़माने में रख रखाव होता था घरों में, ख़ानदानों में, मोहल्लेदारी होती थी और वो छोटे बड़े का लिहाज होता था, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं. हुआ ये है कि पिछले चंद सालों में बहुत तेज़ी से तरक्की हुई है और जो हैं सड़कें बहुत कुशादा हो गई हैं और अंडर पासिस बन गए हैं और जो हैं फ्लाई ओवर्स बन गए हैं, लेकिन दिल के पास की चीज़ें दूर हो गई हैं. जो पहले कुर्बत की बात होती थी, किसी से शफ़क़त की बात होती थी, ना बुज़ुर्गों के पास अब वो टाइम है अपनी औलाद को टाइम दे सकते हैं, ना अपने नानके दादों में वो बात रही है कि वो उस तरह से जो होता था बुज़ुर्ग बैठ के बच्चों की ग्रूमिंग करते थे और उनको मना करते थे. आजकल तो जो हमारा सोसाइटी का सेटअप है उसमें ये देखा जाता है कि बात करने वाला कौन, ये नहीं देखा जाता कि बात में वज़न है या नहीं है, ये देखा जाता है कि अगर तो ये मेरे फैमिली मेम्बर कह रहा है तो ठीक है, अगर ये मेरे हस्बैंड का फैमिली मेंबर कह रहा है या वाइस वर्सा, तो ये फिर देखना पड़ेगा कि किस हद तक सही है. वी ड्रॉ लाइंस अकॉर्डिंग टू आर ओन वैल्यू सिस्टम. पाकिस्तान में इस COVID-19 से पहले जो मैं आपसे आदाद व शुमार अगर मैं शेयर करूं, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, 2017 से बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिप्रेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है. और जो डिप्रेशन 2017 में जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में जो स्टैट्स छपे उसके मुताबिक 35% कराची में, 45% क्वेटा में और 55% लाहौर में. अब ये जो हैं ये स्टैट्स 2017 के हैं और उसके बाद 3 साल आप लगा लें तो हम 2020 में पहुंच गए हैं. और COVID-19 के बाद जो पहले 1:3 की रेशो थी, मेरे हिसाब से ये 1:2 से भी बढ़ गई है, 1:1.5 शायद हो गई है. एवरी सेकेंड पर्सन यू मीट इज़ अंडरगोइंग स्ट्रेस.
स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस अगर क्रॉनिक हो जाए, इट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, इट लीड्स टू ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, और वो प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाते हैं. अच्छा, लोग यहाँ पे वो डिफाइन जब करते हैं तो स्ट्रेस और डिप्रेशन को अलहदा अलहदा डिफाइन नहीं करते, स्ट्रेस एंड सैडनेस एंड डिप्रेशन को अलहदा अलहदा डिफाइन नहीं करते, वो एकदम से एक्सट्रीम व्यू ले लेते हैं चीज़ों का, और वो हर चीज़ को पर्सनल भी ले लेते हैं. जब आप डिस्कशन करें, पाकिस्तान में जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये भी है कि जैसे ही पाकिस्तान में कोई ग्लोबल इवेंट होता है या उससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है, सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बन जाते हैं. जब पाकिस्तान में PSL हो रहा था तो सारे क्रिकेट के वो जितने भी एंकर्स थे वो क्रिकेट के वो एक्सपर्ट्स बन गए और क्रिटिक्स बन गए, और वो कह रहे थे उमर अकमल को कौन सी पोजीशन पे खेलना चाहिए और कौन से प्लेयर को किस पोजीशन पे आना चाहिए. और जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर लोग जो थे कोरोना के एक्सपर्ट बन गए, और कोरोना के एक्सपर्ट ऐसे बन गए कि किसी ने कहा कि जो है वो आप नमक डाल के गरारे कर लें तो काफ़ी है, किसी ने कहा कि आप नसवार खा लें तो काफ़ी है, किसी ने कहा स्मोकर्स को कोरोना होता ही नहीं है. तो हम एक सेल्फ डिनाइल मोड में रहे और बहुत अरसे तक हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे लोग जब आहिस्ता आहिस्ता वो इफेक्ट होते गए, इन्फेक्ट होते गए, तो वो फिर एक हम डिनाइल मोड में, हम एकदम से निकल के बड़े एग्रेसिव मोड में चले गए, और हमने एक जो यहाँ पे एक थ्योरी फौरन आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये जो है कोई साजिश है, कोई बैरूनी साजिश है, हम उससे बहुत अपने आप को तकलीफ महसूस करते हैं. और यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि न्यूरो साइंस में कहते हैं कि पीपल वुड रादर लिव इन अ अनहैप्पी स्टेट देन टू बी लिव इन अ अनसर्टेन स्टेट. मतलब उनके लिए अनहैप्पी स्टेट, क्योंकि उससे वो रिलेट कर सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर जो है वो उसको ग्रास्प नहीं करते. इवन दे हैव टू स्विच जॉब्स तो वो नहीं करते, करियर चेंजेस इसलिए नहीं करते कि यार जो है बस ठीक है मिल रही है इतनी तनख्वाह. उसमें गौहर साहब मैं थोड़ी सी एडिशन ये करूंगी, आपने जॉर्डन पीटरसन को अगर बाहर देखा पड़ा या उनको फॉलो किया है तो उनका एक प्रोग्राम है फ्यूचर ऑथरिंग का प्रोग्राम है, और मेरे अभी कपल ऑफ क्लाइंट्स के साथ मैंने ये एक्सरसाइज की है कि जो लोगों की फ्यूचर विजन होती है अबाउट देमसेल्व्स, दे टेंड टू रिकूपरेट विद दीज ट्रेजेडीज एंड ट्रेजिक इवेंट्स फार बेटर देन अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी फ्यूचर विजन फॉर oneself. So, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस मोमेंट के जो भी क्राइसिस है, चाहे ग्रीफ है, चाहे ब्रीवमेंट हुई है, कोई लॉस है, कोई ट्रॉमा है, वो इस मोमेंट में आप फेस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उसका अपना एक टाइम पीरियड होगा आपका उसको कोप अप करने का, लेकिन अगर आप एक विजन होल्ड करते हैं आपकी अपनी शख्सियत के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में, आपकी कोई गोल्स हैं, आपकी कोई जो है वो आपकी आपकी कोई परसूट्स हैं जिनको आप मीनिंगफुल परसूट कह सकते हैं कि जिनमें जिनको अचीव करने में आप दुनिया की हर पेन लेने को तैयार हैं, तो आप बड़ी जल्दी उस ट्रेजेडी में से बाहर निकल आते हैं. और इसके साथ दो चीज़ें जो इस COVID-19 में हैं या समझ लें कि हमेशा से इंसान की फितरत का हिस्सा रहे हैं, और वो है हम सारे लॉन्ग करते हैं कनेक्शन के लिए, और ह्यूमन कनेक्शन का जो इफेक्ट हुआ है इस COVID-19 में वो गौर्स अब आपने, मैंने, हम सब ने महसूस किया है कि जब आपको ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से जो हम एक दूसरे से गैप आया है, उसने हमें दोनों तरह से प्रोडक्टिव भी और काउंटर प्रोडक्टिव भी, दोनों सूरतों में हमारी लाइफ को एक दफा झंझोड़ा है. उसने जो जो रिश्ते हम बनाए बैठे थे उनको हमने इवैल्यूएट किया है कि ये रिश्ते क्योंकि अब हम फेस टू फेस उस तरह से यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उनकी उनमें से कितने रिश्ते फिल्टर होके आज भी जिस भी मोड से आपको एक्सेस कर रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू रीच आउट, वो टेस्ट हुए हैं. और फिर आपने देखा कि जिन रिश्तों का आपको ग्रांटेड ले रहे थे कि ये इन रिश्तों से तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलता, मैं बाहर जितने ज्यादा लोगों को इकट्ठा करूँ, सोशलाइज करूँ,
तो आप उस सारी चीज को भी देखने के काबिल हो सके हैं कि अगर मेरे पास जो है वो मेरे पेरेंट्स से पहले मैं वक्त नहीं गुजार पा रही थी अपने काम की वजह से, नेटवर्किंग की वजह से, तो मैं अब वो सारी खुशी, वो सारी सेटिस्फेक्शन मैं सिर्फ चंद एक घंटे उनके साथ अच्छी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करके जो है वो अचीव कर सके। तो कनेक्शन जो है हमारे रिश्तों में वो अब मुझे लगता है कि मिसिंग है। हमने हमारे लिए वो इत्मीनान का बाइस नहीं है। दूसरी मुझे चीज ये समझ में नहीं आती, रिश्ते टूटते क्यों हैं? और हमारे यहाँ आज भी हम स्टीरियोटाइपिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं जी तलाक अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा फेल है। और मैं आप लोगों से और जो भी ऑडियंस ये मानने वाले हैं, और मैं उसको ऑब्वियसली रिफ्यूट नहीं कर रही, बट अल्लाह ताला झूठ फरेब और धोखे को भी नापसंद करते हैं, अल्लाह ताला ऑनेस्टी को जो है वो एप्रिसिएट करते हैं। तो हर वो रिश्ता जो धोखे और फरेब और झूठ के ऊपर आपने बनाया हुआ है, वो किसी भी एक्सटेंट और सुवेरिटी का उसकी लेवल कोई भी हो सकता है, किसी भी एक्सटेंट पर आप झूठ बोल रहे हैं, तो उसको भी इवैल्यूएट कीजिए कि सिर्फ तलाक लेना जो है वो बुरी बात नहीं है, धोखा देकर अगले बंदे को रिटेन रखना भी जो है वो इक्वली बैड है। और अगर आप दुनिया में देखें, अमेरिका में जो कॉन्शियस अनकपलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा कॉमन होता जा रहा है। जरूरी नहीं जिस बंदे से आपने अलग होना है उस बंदे को आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करके अलग होना है। आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की नेचर ऐसी है कि अब वो रिजॉल्व नहीं हो सकती, तो आप बड़े ग्रेसफुली जो है वो एक दूसरे से अलग होकर अच्छी लाइफ, जो आप गौहर साहब आप कह रहे थे कि हम ना खुश रहने को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एंटरिंग इनटू समथिंग अननोन जी, तो हमें मुझे लगता है कि ये वक्त जो है वो आपके रिश्तों को टेस्ट करने का टाइम है कि आप ये देखें क्यों आप झूठ धोखा फरेब क्यों है रिश्तों में। आई जस्ट ये बहुत बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है दोनों जेंडर्स को, मैं इक्वली क्योंकि धोखे फरेब की तो कोई जेंडर होती नहीं है ना, कि आप औरत भी धोखा दे सकती है, आदमी भी धोखा दे सकता है, बट क्यों हम ऑनेस्ट रिश्ते क्यों नहीं बना सकते? पाकिस्तान में खालिस रिश्तों की क्या ऐसी कमी है कि ना हम खुद खालिस हैं ना हमारे रिश्ते खालिस हैं, हम झूठ पे हमारा जो है वो सारा फोकस है। उसकी बेसिक वजह ये है इरम के इस वक्त हम इतने ज्यादा इंफोडेमिक का शिकार है, पेंडेमिक अपनी जगह पे इंफोडेमिक, हम 24/7 वी आर ग्लूड टू द ब्लू स्क्रीन, खा वो आईफोन हो खा वो आईपैड हो या वो स्मार्ट टीवी हो, हम मिनट मिनट की खबर चाहते हैं कि डॉक्टर एंथनी फाउची ने क्या कहा, डॉक्टर बर्क ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। भाई जो उन्होंने कहा वो तो अमेरिका वाले नहीं सुन रहे उनकी बात, उनकी 4 मेजर स्टेट्स जो हैं वो डिफाई कर रहे हैं डॉक्टर एंथनी फाउची को। हमें वो देखना है जो हमारे लिए हमारे ज्योग्राफिकल इस सिचुएशन में और हमारे वैल्यू सिस्टम में और हमारी नीड्स के ऊपर जो बेस्ड है वो हमने चीज़ें करनी हैं, रादर देन व्हाट वी डाउनलोड फ्रॉम ऑल द टॉप कोरा से या गूगल से हम ले लें। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इरम वो रिलेशनशिप के हवाले से वो ये है, वो केबन फीवर एक चीज़ है। ये अगर आपने अगर स्टडी किया हो गॉटमैन इंस्टीट्यूट को, उनका जो है वो डॉक्टर जॉन गॉटमैन और जूली गॉटमैन, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की है। और इनफैक्ट केबन फीवर के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने की है और बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल है इस वक्त इंटरनेट पर। मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जब आप केबन वो चीज़ है, जब आप किसी एक घर में या एक कंपाउंड में इवन इन अ ओपन फील्ड, आपके घर के बाहर एरिया भी हो, आपके वो घर के बाहर रिलीफ भी हो, सारा कुछ हो, बट यू आर कन्फाइंड कि ये रिस्ट्रिक्शन है, ये लॉकडाउन है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ दैट कंपाउंड, वो स्टेट आपकी कितनी बड़ी हो, वो मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। Absolutely. आपको जो है वहाँ पे कन्फाइनमेंट लगती है, क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से मूड में इरिटेबिलिटी आ जाती है और ये सारी चीज़ें लीड करती हैं टू स्ट्रेस। अगर तो स्ट्रेस ऐसा हो जो के परफॉर्मेंस से रिलेट करता हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस आपके रास्ते में आ रहा हो, इट इज़ कमिंग इन योर वे,
आपकी हर चीज़ हर ख्वाहिश के आगे आपने वो ताबे होना है किसी और चीज़ का, खा वो गवर्नमेंटल लॉकडाउन हो या सोसाइटल लॉकडाउन हो या फैमिली प्रेशर्स हो, इट रिलेट्स टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। जब आपके केबन फीवर को जो है वो इट लीड्स टू इतना सीरियस ये मूड स्विंग्स हो जाते हैं, इतना सीरियस स्ट्रेस हो जाता है कि इट लीड्स टू ब्रेकअप्स, इट लीड्स टू ब्रेकअप्स ऑफ रिलेशनशिप, इट लीड्स टू सुसाइडल टेंडेंसीज, सुसाइडल थॉट्स। उनको लगता है कि हमारी जिंदगी तबाह हो गई है, दिस इज डूम्स डे, ये कभी ठीक नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। चीज़ ये है कि ये एक पेंडेमिक है, हमने नहीं देखा पहले, WHO ने भी नहीं देखा, CDC ने भी नहीं देखा, तो उनके भी इवॉल्व कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं। शुरू में उन्होंने कहा कि ये वाटर बॉर्न, ये एयरबॉर्न है, फिर उन्होंने कहा ये ड्रॉपलेट्स हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं ये ट्रांसमिट होते हैं, फिर उन्होंने कहा ये 2 meters apart, फिर उनकी लेटेस्ट स्टडी आई कि नहीं इट कैन बी मोर देन 2 meters apart। तो ये सारी चीज़ें वो भी एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लोग जो हैं जो कि नहीं बाहर निकल सकते अपने घरों से इस लॉकडाउन की वजह से, खा वो पाकिस्तान में हों या दुनिया के किसी भी कोने में, दे आर गोइंग थ्रू दिस केबन फीवर। और वो केबन फीवर ये है कि उनकी इरिटेबिलिटी और उनका अनसर्टेनिटी, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की, अनसर्टेनिटी जो है, अगर लोगों को ये पता हो कि ये चीज़ है तो लोगों का रिएक्शन उसके लिए और होता है, अगर लोगों को ये ना पता हो इसका आउटकम क्या होगा तो लोग उसके बारे में बहुत शक व शुबा में पड़ जाते हैं। 2015 में बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ, एक ग्रुप को उन्होंने 100 लोगों को फ्रॉम वेरियस कैटेगरी ऑफ लाइफ, जिसमें यंग भी थे, ओल्ड भी थे, स्कूल गोइंग भी थे, टीनेजर्स भी थे, उनको उन्होंने बुलाया और 50-50 के दो बैचेस में उन्होंने उनको तकसीम किया और एक पेंटिंग दिखाई उन्होंने। जो फर्स्ट ग्रुप था उसको उन्होंने कहा कि ये पेंटिंग जो है ये बहुत पुरानी है, कोई 200-300 साल पुरानी है और ये कहीं से मिली है, अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है किसी जगह से और ये हम एग्जिबिशन के लिए रख रहे हैं। तो लोगों के रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त थे और सारों ने उस पेंटिंग की बहुत तारीफ की। दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि ये रिसेंटली एक न्यू अपकमिंग बडिंग आर्टिस्ट ने पेंट की है और ये हम एग्जिबिशन में रख रहे हैं। तो दूसरे ग्रुप के एग्जैक्टली ऑपोजिट उसके रिएक्शन था जो फर्स्ट ग्रुप से था। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि लोग जो हैं अपने पास्ट से चीज़ों को रिलेट करते हैं, अपने पास्ट से चीज़ों को, खा उनके गुड एक्सपीरियंसेस हों या बैड एक्सपीरियंसेस हों, रादर देन फ्यूचर का। और इवन लिविंग इन नाउ लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो जो है ईदर दे आर लिविंग इन द पास्ट, वो रिग्रेट की लाइफ गुजार रहे होते हैं, या वो एक एंग्जाइटी की लाइफ गुजार रहे होते हैं फ्यूचर का सोच सोच के, जो आज है उसके ऊपर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। तो यही क्रक्स है रिलेशनशिप का भी। When two people get together, वो मिलते हैं एक दूसरे से, वो opposite gender हो या same gender हो, उनकी आपस में कोई बातचीत करते हुए, कोई आपस में interact करते हुए, common चीज़ें उनको एक दूसरे की attract करती हैं, they form a friendship. Opposite cases में वो it becomes at times attraction और it leads to very very serious relationships and then perhaps marriages. इसमें आई थिंक सेम, सॉरी आई एम कटिंग यू, इसी में सेम जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस वाली बात है, इस पे भी साइंस इज वेरी जो है क्लियर अबाउट इट कि हमारा जो फर्स्ट हैंड इमोशनल एक्सपोजर है वो हमारे पेरेंट्स के साथ होता है। सो इफ यू आर अ मेल पर्सन तो आपकी जो मदर के साथ आपका रिलेशनशिप है, एंड इफ यू आर अ फीमेल जो आपका फादर के साथ रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप डायनामिक्स इसको एग्जैक्ट आप देख सकते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर्स की चॉइसेस के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है और जो ट्रेट्स यूजली आपके पेरेंट्स में, बिकॉज वो आपके रोल मॉडल्स होते हैं, आप उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड फील करते हैं। इवन आपने फ्रॉइड का वो जो एडिपस रेक्स का पूरी थ्योरी भी देखी होगी कि हमारी जो पहली इन्फैटुएशन होती है वो हमारे पेरेंट्स की
जो है ऑपोजिट जो जेंडर है वहाँ वहाँ से हम शुरू करते हैं बिकॉज वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं. फिर एक और रिसर्च में ये था कि अगर मेल्स ऐसी अपनी मदर के साथ एसोसिएशन रखते हैं जो कि मदर्स यूजली अनअवेलेबल हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, और उनकी नीड्स एज ए चाइल्ड जो है वो कभी लुक आफ्टर नहीं की गई, तो उनकी यूजली ये होता है कि जब उनकी चॉइस ऑफ पार्टनर जाता है, यानी वो जब अपने पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो शायद वो खूबसूरत पार्टनर्स की बजाय कंसिडरेट पार्टनर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज वो अपनी नीड्स को पहले रखते हैं और अपने डिजायर्स को बाद में देखते हैं. तो ये पूरी साइंस है कि हमारे जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं और जो हम चॉइसेस लेते हैं अपने पार्टनर्स के लिए वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट होती है जो हमारी अच्छे बुरे टॉक्सिक हेल्दी रिलेशनशिप्स हमने हमारे पेरेंट्स से सीखे होते हैं. इवन हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड कोपिंग रिस्पॉन्सेज आर लर्नड बाय आवर पेरेंट्स. बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही. वो जो 0 to 7 ईयर्स की एज है जिसको हम इम्प्रिंट एज कहते हैं, उसमें जो हम सुनते हैं, जो हमें बताया जाता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे स्कूल का, जो हमारे नेबरहुड का, जो सारा का सारा एक माहौल होता है, वो सारा का सारा हमारे बिलीफ सिस्टम को फॉर्म कर रहा होता है. वही फिर हमारी रियलिटी बन जाती है. जब हम रेपिटेटिवली वो चीज़ें देखते हैं, हम समझते हैं यही चीज़ है, यही दुनिया है, और मैं ही सच हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए एनफोर्स करते हैं लोग दूसरे पे, क्योंकि उन्होंने दूसरा व्यू देखा ही नहीं होता, दूसरा व्यू, दूसरा पर्सपेक्टिव, परसेप्शन जो हमारी लाइफ कोचिंग में परसेप्शन इज प्रोजेक्शन. आप देखें बहुत सारे एडल्ट्स के साथ ऐसे होता है कि अगर माँ या बाप में से कोई एक नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड रखता था या नार्सिसिज्म का ख्याल का पर्सनालिटी ट्रेट था, तो वो भी फ्यूचर में भी नार्सिसिस्ट लोगों की तरफ ही अट्रैक्टेड फील होता है और वहां से वैसी ही इमोशनल पेन लेता है जैसे कि वो पेरेंट्स से ले रहा था, बिकॉज उसको वो फेमिलियर लगता है और हर वो चीज जो उसे आसानी से मिल जाती है उसकी उसके लिए उसकी अट्रैक्शन या एक्साइटमेंट उस तरह से नहीं होती. अब अगर हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी एडल्ट बिहेवियर में, तो उसको यूजली लोगों के लिए परसीव करना आसान नहीं है. वो समझते हैं कि ये कैसी बात है, ये कैसा, इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं. डॉक्टर शिफाली को अगर आप सुनते हो तो शी हैज कम अप विद दिस आइडिया कि आपको जो कॉन्शियस पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी वजह से आपके पेरेंट्स आपको इमोशनल या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्ड करना, हेल्दी रिस्पॉन्स करना नहीं सिखा सके, तो अब ये एज ए एडल्ट हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करें और फिर खुद अपनी तरबियत करते हुए उन तमाम प्रीवियस ट्रैप्स से निकलते हुए रीवायरिंग करें अपने ब्रेन की कि हमने हमारे लिए हेल्दी की डेफिनेशन क्या है, हमारे लिए टॉक्सिक की रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तमीज, ये डिफ्रेंसिएशन ही नहीं कर सकते कि हेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में फर्क क्या है. एक और खातून है, डबल PhD है, वो कैम्ब्रिज से, वो उनका नाम है तारा वेस्टओवर और उनकी किताब है एक उनका नाम है एजुकेटेड के नाम से, और उसमें शी राइट्स हर ओन मेमोयर में लिख रही हैं कि मेरा भाई जो था वो मुझे बहुत लंबे अरसे तक जो है वो मुझे जो है वो फिजिकल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस मेरे ऊपर होता रहा, बट मेरी डेफिनेशन में वो वायलेंस था ही नहीं, क्योंकि जो मीडिया मैं देखती थी उसमें तो वो बहुत डिफरेंट लेवल पर था, तो मुझे बड़ा माइल्ड और एक्सेप्टेबल लगा अनलेस शी स्टार्टेड एजुकेशन. एंड उसके बाद आई मीन इट टुक हर अ वाइल टू अंडरस्टैंड कि ये अनहेल्दी और मुझे इसको जो है वो रोकना. ये आपने बिल्कुल एक जबरदस्त नुक्ते पे रोशनी डाली है, एकदम आपने हाईलाइट किया. ये एक्चुअली होता ये है कि माइंड फॉगिंग हो जाती है जब आप एक स्टेट ऑफ उसमें रहते हैं, वो आपका माइंड उसको एज द गिवन नॉर्म ले लेता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि यही नॉर्मल है, यही ऐसे ही होता है सब लोगों के साथ, और मेरे साथ जो हो रहा है ये यही चीज़ है. रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो सिबलिंग्स का आपस में इंटरेक्शन हो या कुछ हो, वो कहते हैं ऐसे ही होता है क्योंकि उन्होंने देखा होता है अपने घर में. और इसीलिए हम लाइफ कोचेज लोगों को हेल्प करते हैं उनका जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो एलिमिनेट करने की, इन आवर फर्स्ट सिटिंग हमारी कोशिश होती है,
हम क्यों जाके उनकी रिप्रेस्ड मेमोरीज को रिलीज करते हैं, हम क्यों जाके उनके लेसन लर्न क्या हैं, पॉजिटिव मोस्ट में से क्या हैं, लेसन्स क्या हैं, वो हम क्यों प्रिजर्व कराते हैं वो सारी चीज़ें, ताकि वो जो कहते हैं कि अ ब्रोकन चाइल्ड इज़ अ ब्रोकन एडल्ट, वो उसकी रिपेयर जाके वहीं पे होगी, उसी एज ग्रुप में जाके होगी। लोग कहते हैं यार आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे क्या ज़रूरत है, या मुझे कहाँ पे, मैं तो नहीं सोचता कि मेरे अर्ली चाइल्डहुड में क्या हुआ, बट दे डोंट रियलाइज के एक्चुअली आज की डिसीजन मेकिंग उनकी, आज की उनकी रिलेशनशिप्स अगर इफेक्ट हो रही हैं तो रूट कॉज उसका वहीं पे है, अर्ली चाइल्डहुड में ही है, और वहीं पे जाके वो सारे के सारे इश्यूज फिक्स होंगे। बायोलॉजिकली तो आपकी उम्र बढ़ गई है, बट साइकोलॉजिकली यू आर स्टिल अ चाइल्ड ऑफ 3 इयर्स और 4 इयर्स ओल्ड। एग्जैक्टली, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम जब बात करते हैं लोगों को हील करते हैं, तो वो इट टेक्स अबाउट 1 or 2 सेशंस, और बड़ा उनको लिए हैरानी होती है कि दे हैव बीन कैरिंग दैट इमोशनल बैगेज फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, फॉर द लास्ट 20-30 इयर्स वो एक चीज कैरी कर रहे थे और वो एक चीज में सफर कर रहे थे, उसमें उनका अपना भी कसूर होता है, सेल्फ सेबोटाज वो कर रहे होते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होगा, एंड दे डोंट रियलाइज कि जब तक वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से, अपने वो फियर जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी सेल्फ डिस्कवरी नहीं होगी, तो उनके अंदर एम्पावरमेंट कहाँ से आएगी। दैट्स वेयर वी एज लाइफ कोचेज वी कम इन एंड हेल्प देम, क्योंकि वो खुद इतने वो बेचारे उसमें रह रह के अब्यूज सह सह के, और वो गोइंग थ्रू ऑल दैट थ्रू आउट देयर लाइफ, वो नहीं इस काबिल होते, उनका दिमाग इस काबिल नहीं होता, एट टाइम्स उनकी इमोशनल नंबनेस हो जाती है, वो सेल्फ सैबोटेज में होते हैं। जी, उसमें ये भी हो सकता है सब के जो हमारी लर्निंग ट्रेजेक्ट्री है ना, अगर मैं उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ कोचिंग देखूं, तो हर शख्स की जो लर्निंग ट्रेजेक्ट्री है वो डिफरेंट है, हर शख्स डिग नहीं कर सकता, हर शख्स अपनी पेन को, अपने क्राइसिस को बैठ के रिफ्लेक्ट करके उसकी असेसमेंट नहीं कर सकता। सो करनी तो हम सबको चाहिए, इनफैक्ट आपकी एजुकेशन का पर्पस तो यही है कि आपको जो है वो सेल्फ नॉलेज अटेन करने का कोई तरीका बताया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन उस तरह से जो है वो सपोर्टिव ऑफ दिस फैक्ट नहीं है। बट लेट्स से अगर आप नहीं लाइफ कोचेस को हायर करना चाहते या आपको लगता है कि ये पॉसिबली ये क्या करेंगे, I would always guide people कि आप at least अपनी life, अपने pattern को ही track कर लें। देखें अगर आपको बार बार stress हो रहा है किसी चीज से, तो आप थोड़ी देर के लिए रुकें और उसको देखें कि क्या pattern है मेरा, मुझे क्यों गुस्सा आता है, किन चीजों पर गुस्सा आता है, मुझे किस चीज का दुख होता है और क्यों दुख होता है, मेरे अंदर क्या feelings, क्या emotions हैं, jealousy है मेरे अंदर, resentment है मेरे अंदर, insecurity है, fear है, आप उसके साथ वक्त तो स्पेंड करें। अब चूंकि इस क्राइसिस में हम मोस्ट ऑफ अस आर इन द स्टेट ऑफ डिनायल के ये नहीं है, आप यकीन करें कपल्स में बहुत सारे कपल्स को पहले रेड फ्लैग्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, आप अंधों की तरह आगे चलते जाते हैं और आप मानने को ही तैयार नहीं है कि ये रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उन रेड फ्लैग्स को क्यों इग्नोर करेंगे। एग्जैक्टली, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ इरम, के देखें हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी लोग कहते हैं, उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे जो हैं डूज कौन से हैं, डोंट्स कौन से हैं, वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, और मेरे क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जब हम किसी शख्स से मिलते हैं तो हमें अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार इससे ना मिलना, इससे बिजनेस ना करना, इससे ये चीज़ ना करना, हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम उन जो तो उनको बाईपास करते हुए वी डू इट, और वही हरकत करते हैं जो अंदर से आवाज आ रही होती है बार बार ये ना करना, और फिर वो काम गलत हो जाता है, और फिर हम कहते हैं हाँ यार मुझे कोई चीज मना कर रही थी, मुझे कह रही थी, अंदर से एक आवाज आती थी, मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि इसके साथ बिजनेस ना करना, इससे मेल जोल ना बढ़ाना, बट वी इग्नोर दिस सिग्नल। हम वापस आते हैं उसी बात के ऊपर लाइफ कोचिंग के हवाले से। इरम, जब ये मैंने लाइफ कोचिंग स्टार्ट की थी पाकिस्तान में, इंट्रोड्यूस की थी 2017 में, यू आर अ विटनेस टू दोज अर्ली डेज एज वेल, जब हमने ये स्टार्ट किया था सारा इनिशिएटिव,
रिप्रेजेंटेटिव और हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आपको वो भी याद है डेफिनेटली. व्हेन वी यस वी हैड सिमिलैरिटी ऑफ थॉट्स और बहुत चीजें कॉमन थी. देखें पाकिस्तान में उस जमाने में जब मैं बात करता था ब्रूस लिप्टन की रीवायरिंग ऑफ ब्रेन की, ग्रेग ब्रेडन की, मैं व्हाट इज योर रियलिटी की बात करता था, ठीक है, या मैं उसके अलावा जो है ये न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं उनकी बात करता था, जो डिस्पेंजा की बात करता था, या मैं उसकी रिबेका ब्रैकमैन की बात करता था जिसने के एंटी डिप्रेसेंट्स पे जितनी रिसर्च की है शायद किसी ने भी नहीं की हो, और उसने जो हाइपोथेसिस था कि जी डू दिस एंटी डिप्रेसेंट्स एक्चुअली क्योर. जब मैंने आप यकीन करें शुरू में बातें करना शुरू की तो लोग बहुत इसको वो नेगेटिवली लेते थे और बड़े कमेंट करते थे, और क्वाइट रिसेंटली अभी भी एक दो फोरम्स पे मैंने बातें की तो उनमें से कुछ जो हैं वो खवातीन और हजरात मेरे पीछे पड़ गए, नहीं अगर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे. लोग दे डू नॉट रियलाइज के साइकियाट्रिस्ट जो हैं उनकी थेरेपी जो है वो कम है और उनका जो मेडिकल इंटरवेंशन है वो ज़्यादा है, और जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं दीज इफ़ दे give you the antidepressant it takes about 4 to 6 weeks for the effects to kick in. pehli baat to ye hai, fir wo kitni effect karegi aapko that particular antidepressant wo aapke upar bhi depend karta hai, aapke genes hai, aapki apna biological makeup hai, bahut sari cheeze hain to usme bhi percentage vary karti hai. GlaxoSmithKline ki jo 2019 ki study hai usme wo khud kehte hain कि 70% लोगों को मेडिसिन असर नहीं करती, और अगर करती है तो 30% करती है, बाकियों को प्लेसिबो इफेक्ट है, वो प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से लोग ठीक होते हैं या नोसीबो इफेक्ट की वजह से नहीं ठीक होते, और वो लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते थे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी पाकिस्तान में भी अप्रिसिएशन इस चीज़ की आ रही है कि नहीं लाइफ कोचिंग कोई चीज़ है. लेकिन एक जो क्रेडिट गोज टू यू, इतनी परसिस्टेंस के साथ आपने और इतनी डिटरमिनेशन के साथ, आई थिंक यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट. थैंक यू वेरी मच. एक जो चीज हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान में ओवरनाइट लाइफ कोचेस बहुत सारे बन गए हैं, और कुछ लाइफ कोचेस तो ऐसे बन गए हैं जैसे उनके घर वालों को भी नहीं पता कि वो लाइफ कोच हैं, और उन्होंने कार्ड्स भी छपवा लिए हैं, फेसबुक पे पेजेस भी बना लिए हैं. लाइफ कोचिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस. लाइफ कोचिंग में आप जो हैं किसी का ओपन माइंड सर्जरी कर रहे हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी होती है, दिस अमाउंट्स टू द सेम. आप किसी का ओपन माइंड सर्जरी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने इंटरवेंशन कब करनी है. सिर्फ किसी से आपने इंफॉर्मेशन डाउनलोड नहीं करनी, आपने किसी की लाइफ स्टोरी नहीं सुननी, आपने सिर्फ उसके बैड एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करने, आपने उसको बताना है कि अब करना क्या है. तो अगर फॉरवर्ड भी देना है आपने, जी अगर आप उस सेशन के दौरान ये सब कुछ नहीं करेंगे तो दैट पर्सन विल बी मोर मेस्ड अप आफ्टर द सेशन देन व्हेन शी केम इन और ही केम इन, बिकॉज पहले तो वो इश्यूज लेके आया था, अब तो उसकी रिप्रेस्ड मेमोरीज वाले भी जो हैं वो खुल गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं, और उनमें से कौन सी चीजें हैं जो स्ट्रेसर्स हैं और क्या उनके ट्रिगर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप इतने कॉम्पिटेंट लाइफ कोच नहीं हैं तो मेरी ये इस प्रोग्राम के हवाले से ये एक अपील होगी तमाम लोगों से, प्लीज इसको आप सीरियसली लीजिए, सर्टिफिकेशन लीजिए, इधर कोर्सेज कीजिए या आप इनरोल हों वर्कशॉप्स में. इस तरह से लोगों को आप गाइड मत करें, ये गपशप थेरेपी नहीं है. इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप लोगों से बात करें और उनके इश्यूज डिस्कस करें, बाद में आपको ये पता ही ना हो कि आपने इसको एनएलपी की टेक्निक्स यूज करनी है, पार्ट इंटीग्रेशन करना है, या आपने टाइमलाइन पैराडाइम करना है, या आपने पेंडुलम थेरेपी करनी है, या आपने आप इसको, मैं अगर सादा करूँ ना, मेरे ख्याल में आप जितनी भी हमारी कोचिंग की प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस आवर्स है ना, वो कोच बनाते हैं. इट्स नॉट अ थ्रेटिकल सब्जेक्ट कि आपने ये कोर्स पढ़ लिया, किताब पढ़ ली. सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं है ये बिजनेस. आई वंडर कि पाकिस्तान में आपको
आई होप आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा लोग लाइफ कोचेस और कोचेस बने, ताकि इसका कोई फेडरेशन, कोई इसका जो है गवर्निंग बॉडी बने, जो इन सब को स्क्रूटनाइज करे कि आया आप कॉम्पिटेंट हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए. नहीं, वेस्ट में क्या होता है, यूके, अमेरिका, यूरोप में आपको आवर्स पूरे करने होते हैं, और आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले बैठ के किसी की कोई भी इमोशनल इश्यूज को जो है वो मैस करते रहेंगे. वो सुपरवाइज्ड होते हैं सेशंस, और आप अपनी उस सारे जो टेक्निक्स हैं, जैसे हम गाड़ी चलाना गौर साहब सीखते हैं, तो 15 दिन में वो तो आपको लाइसेंस दे देता है कि जी हाँ जाएं आप मेन रोड पे चले जाएं और गाड़ी आप चला सकते हैं, बट ड्राइवर आप बनते हैं प्रैक्टिस आवर्स जितने आप ड्राइविंग में डालते. सो अगर आपने कभी घर वाले आपको सुनते नहीं है, वो आपसे किसी चीज का मशवरा मांग नहीं सकते क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते, वो आपकी सेंस ऑफ जजमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, तो आप उस चीज को सीरियसली लें. बिल्कुल गौहर साहब सही कह रहे हैं कि बहुत दफा ऐसे होता है कि आपका जो कोचिंग सेशन है वो लोगों को ज्यादा वल्नरेबल बना देता है इन टर्म्स ऑफ देयर पेन. तो अगर आपके साथ वो बातचीत, आपने 1.5 घंटे या घंटे के अपने पैसे ले लिए, तो उसके बाद आप कोई फॉलो अप बच्चे के साथ या जो भी क्लाइंट है उसके साथ नहीं रखते, आई थिंक उसके बाद उसका सारा हीलिंग प्रोसेस आपका शुरू होता है. वो जब नेक्स्ट फॉलो अप सेशन पे आपसे मिलने आएगा, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि वो 24-48 घंटे उसने कहाँ गुजारे हैं, क्या उसने अपना जो है वो कोपिंग मैकेनिज्म डिवाइस किया है. सो इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, आई वुड से. बिल्कुल सही कहा. एक और चीज जो मेरे मुशाहदे में आई है, ऑब्जर्वेशन में मेरे आई है, वो ये आई है कि पाकिस्तान में जो क्लाइंट्स हैं वो भी सीरियस नहीं है टू गेट देमसेल्व्स हील्ड. वो विंडो शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. दो सेशन एक के साथ कर लिए, फिर किसी आंटी ने बता दिया तो दो सेशन किसी और के साथ कर लिया, कोई कजन ने बता दिया कि यार वो तो फ्री कर देगा तुम्हारे लिए सेशन, तो दो उससे भी करा लिए. When you get different type of approaches from even from professionals, वो psychologist हो, psychiatrist हो, या life coaches हो, वो contradict करती हैं उनकी approaches. क्योंकि कोई चीज पहले attempt करता है, कोई चीज बाद में उसको intervene करता है, कोई जाके बाद में address करता है, क्योंकि जो presenting problem है ना उसको लोग देखते हैं. लोग ये नहीं देखते, at least life coaches ये नहीं देखते, they don't go by वो DSM-5 or 6 volume जो है उसके ऊपर नहीं जाते, और version 2013 को नहीं देखते, they go straight to the root cause, के root cause क्या है, ठीक है ना. तो वो जो CBT की techniques हैं वो life coaches नहीं apply करते, psychologist करते हैं, psychiatrist जो हैं वो इससे different approach होती है. तो लोग आम तौर पे वो mix and match कुछ कर रहे होते हैं, किसी ने कुछ बता दिया उधर चले गए, फिर उन्होंने कहीं से और जाके वो करा लिया. तो उसमें भी गौर साहब जो उसमें ये है कि लोग भी quick fix चाहते हैं ना. आप देखिए जैसे वो पिल दे दें उन्हें, आप साइकाइट्रिस्ट तो हमारी तरह खपता थोड़ी है कि वो आपके लिए टेक्निक्स ढूंढे, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे. वो तो एक प्रोजैक लिखेगा, आपके 2,000-3,000 आपके फारिग हो गए, चलें जी नेक्स्ट पेशेंट. वो दोनों का एजेंडा सर्व करता है, वो जो पेशेंट आ रहा है उसका भी और जो आपकी प्रैक्टिशनर्स हैं उनका भी. अभी तक बाहर तो आपको पता है डिप्रेशन का जमानों से जो है वो लोग साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को जा रहे हैं, बट आज भी वहां पर भी स्केप्टिसिज्म है. लोग इस बात को, अपने मेंटल हेल्थ को सीरियस लेते ही नहीं है. उन्हें लगता है कि ये खुद ही सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू ही होगा, हालांकि जिस तरह आपकी फिजिकल इलनेसेस हैं इसी तरह आपकी मेंटल इलनेस है, उसके ऊपर आपको एक इवन डॉक्टर्स, हम भी, मैं खुद अगर अपना आप कहूँ तो गौर साहब मैं आपके साथ कई मैंने टेक्निक्स की हैं और मैं करती रहूंगी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई want to become the best version of myself. और उसके लिए you need a coach, you need a support system जो आपको आपकी future vision के साथ collaborate करने में, match करने में helpful रहे. Exactly. अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान में even जो psychologist हैं वो उनका जो schools और colleges और university से पढ़ के आते हैं, फिर वो diploma करते हैं, फिर वो clinical psychologist बनते हैं, वो भी, और वो जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका वो मयार नहीं है जो यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है, और उसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं. उनकी टेक्निक्स जो इंटरवेंशन की वो यूज़ करते हैं, जो थेरेपीज़ वो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ब्रेन स्पेक्ट इमेजरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है.
यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में वो ब्रेन स्कैन करते हैं और उसको कहा जाता है ब्रेन स्पेक्ट इमेजरी, और वो करके देखते हैं कि ये जो डैमेज है ये क्या किसी इंजरी का नतीजा है, ब्रेन डैमेज, या ये पार्किंसन डिजीज की तरफ जा रहा है, या कोई और इसका कॉग्निटिव जो है वो फिजिकल वो डिसऑर्डर था एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके बाद कुछ था, तो वो लोग उस तरह से फिर उसको ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो हर एक को आप अगर रोज एक्ट मेडिसिन दे देंगे, स्टार्ट कहाँ से होता है, लेक्सोटनल से, फिर क्लिप्सॉल, फिर उसके बाद ज़ोरलैक्स, ज़ोफ्लेक्स करते करते हैं यू ग्रेजुएट टू प्रोज़ैक। आप हर एक को दे देंगे, पहले तो आप ये देखें कि उसका प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम लोग देखते ही नहीं है। 45 मिनट में 5 मिनट आने के, 5 मिनट जाने के, तो 30 मिनट्स के अंदर जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप जल्दी से बस अभी क्लाइंट आके बैठा नहीं होता स्टूल पे, अभी उसने एक सांस ली होती है कि शुक्र है मैं किसी ठंडे कमरे में आ गया या आ गई हूँ, तो आप उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखनी शुरू कर देते हैं। अच्छा गौहर साहब, मुझे ये बताइए कि चले मान लिया जब स्ट्रेस डिप्रेशन वर्क रिलेटेड है तो चलें कुछ समझ में आता है कि थोड़ी देर के लिए आपने अपनी ओवरथिंकिंग को नम करने के लिए कर लिया, मुझे बताइए जब आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, आपके सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं, हाउ कम ये पिल जो है वो उनको कैसे फिक्स करेगी, मुझे ये बताएं। एक साइकोथेरेपिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि जब बैठते हैं लोग टॉकिंग थेरेपी में तो वो यही कहते हैं जी सारे मसले दूसरे शख्स में हैं, तो दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन के मान लिया जी 96% उनमें मसले हैं, 4% आप में भी तो होंगे ना, लेट्स टॉक अबाउट दोस 4%। पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द ब्लेम ऑन देमसेल्व्स, रादर दे आर पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन द पार्टनर्स एंड अदर्स के उनको ठीक करवाते हैं किसी तरह। कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि अगर जो है इंगेज्ड बच्चा या बच्ची है तो वो कहेंगे मैं अपनी फियांसी को भी आपके पास ले, भाई आप खुद पहले अपने आप को फिक्स करें, आपको हो सकता है उसको लाने की जरूरत ही ना पड़े, राइट? सो इस मैं इसको लिंक वापस रिलेशनशिप टॉपिक के साथ करना चाहती हूँ कि जो आपका रिलेशनशिप चैलेंजेस है ना, ये बड़े पर्सनल, बड़े इंडिविजुअल, और ये कोई वन साइज फिट ऑल वाला इस पे कोई लागू नहीं होता कि मैं जो गोहर साहब और जो मेरे पर टेक्निक चल रही है वही हम आपको दे दें कि हाँ आप ये कर लीजिएगा, ठीक है? यू नीड टू हैव दैट ओपननेस इन योर परसेप्शन कि मैं अगर कोई काउंसलिंग, कोई जो कोचिंग गाइडेंस ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो उसके लिए यू नीड टू बी विलिंग टू रिसीव दैट न्यू इंफॉर्मेशन जो कि पहले शायद आपके पास्ट एक्सपीरियंस में ना हो। आपने जो बात की इरम, बिल्कुल सही बात की। देखें हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, इसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनती किस तरह से, 3 फिल्टर्स होते हैं वो मीन मेकिंग के, ठीक है? एक है कि हम हर इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं जो कि हमारे से जिसका इंटरेस्ट नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉलिटिक्स नहीं अच्छी लगती तो मैं कोई बात नहीं सुनना चाहूँगा, ठीक है? तो वो लेकिन फिर भी मुझे ये पता होगा कि इरम का पर्टिकुलर किस पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन है, ठीक है? वो मुझे नहीं पता किस पार्टी ने कितने वोट लिए, क्या कुछ कौन से इलेक्शन में क्या हुआ, बट स्टिल वो फिर भी रेजिडुअल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये है आप जिसको कहते हैं कि डिलीशन आप करते हैं, आप डिलीट करते हैं इंफॉर्मेशन। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं डिस्टॉर्शन, ये दूसरा फिल्टर है। डिस्टॉर्शन क्या कि मैंने कोई बात सुनी बगैर उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उससे पहले क्या बात हो रही थी, उसके बाद में क्या बात हो रही है, हम इमिजिएटली अपना परसेप्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी मैं आपको कहूं कि हम दोनों की बातचीत हो रही है और मैं आपको कहूं कि आई एम थिंकिंग आई शुड स्टॉप बीटिंग माई वाइफ, तो अगर कोई पास से कोई बंदा गुजर रहा होगा वो फॉरन ओपिनियन फॉर्म करेगा कि यार ये किस किस्म का बंदा है, और जो सामने बंदी बैठी थी वो भी आगे से हंस रही थी। अगर उसको ये पता हो कि यार हम तो ये बात कर रहे थे कि हमारे घर में एक टेबल टेनिस की टेबल है, डिनर के बाद हम रोज खेलते हैं और मेरी वाइफ मुझसे हार जाती है टेबल टेनिस में और उसका मूड अपसेट हो जाता है, तो आई एम थिंकिंग आई शुड स्टॉप बीटिंग माई वाइफ, ठीक है? अब ये जो है ये डिस्टॉर्शन जो है ये इंफॉर्मेशन की हो, कॉन्वर्सेशन की हो, किसी भी चीज की हो, जब हमारा ह्यूमन माइंड हर एक के 3 फिल्टर्स हैं, तीसरा जनरलाइज के सारे मर्द बुरे होते हैं, सारे लड़के स्मोक करते हैं, सारे बंदे ऐसे होते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, ठीक है? हम इस पे भी किसी वक्त बात करेंगे और अपकमिंग सीरीज में हम बात करेंगे कि हमारा ह्यूमन माइंड सोचता कैसे है और परसेप्शन इज प्रोजेक्शन क्या चीज़ है। इनफैक्ट जब दो लोग मिलते हैं जो रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में,
तो क्या वो दो लोग मिल रहे होते हैं या उनके बिहेवियर्स मिल रहे होते हैं या उनकी परसेप्शंस मिल रही होती हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअली हम नहीं मिलते, हमारे परसेप्शंस मिलते हैं, हमारे और वो परसेप्शन जो हमने फॉर्म किया होता है एक घंटे की मुलाकात में, अगर वो हम मल्टीप्लाइड बाय 7 ओकेजन उसके बाद हम एक रिश्ते में बंध जाएं, शादी हो जाए, तो वो फिर प्रॉब्लम्स इसलिए बनती हैं कि आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया होता अपने पार्टनर को, उसकी नीड्स को नहीं आपने समझा होता, उसकी वांट्स को नहीं समझा होता, उसके मेंटल लेवल का इशू नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं यार वो मेरा और उसका मेंटल लेवल का बड़ा फर्क है। इट्स नॉट अबाउट मेंटल लेवल, इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, इट्स अबाउट एप्रिसिएशन लेवल, कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप में कितनी एम्पथी है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा IQ पे फोकस्ड होते हैं और चीज़ों पे। मैं हमेशा से समहाउ अदर आई हैव ऑलवेज बीन इमोशनल कोफिशिएंट और इमोशनल इंटेलिजेंस पे मेरा फोकस रहा है और यही मेरी फील्ड है। इरम, लास्ट 5 मिनट्स आप कुछ कहना चाहेंगी बिफोर वी रैप अप टुडेस सेशन? यस, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स हमें सबको जो है वो अपने अपने रिलेशनशिप पर काम करना चाहिए, और जो अगर हम अच्छा ताल्लुक let's say those who are seeking partners, आप खुद जब अच्छे बनते हैं तो वही चीज reflect और resonate होती है। हम अपने जितने भी gaps हैं personality के, emotionally and psychologically, हम अगर पहले, हमारी जिम्मेदारी है, मेरे partner की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आए और मेरा सारा childhood का trauma वो आकर ठीक करे, right? आपका काम yes, ये we है are not rehab. I can't be your mama, something like that. Women shouldn't act like their mothers, na? उनको वो partner act करना चाहिए, एक चीज। दूसरी, जब हम शादी कर रहे होते हैं या शादी में चला रहे होते हैं तो हमारी needs जो है वो constantly change होती रहती हैं। So जो self awareness है आपकी, आपकी needs के लिए, आपकी wants के लिए, जो आपकी desire का element है, ये बड़ी हमारी एक I would say stereotypical understanding of relationship है कि शादी compromise का नाम है, शादी कोई सजा नहीं है, शादी एक साथ बढ़ने का नाम है, आपके अंदर दोनों के अंदर एक growth partners बने, आप लोगों की goals same होनी चाहिए, आपके अंदर एक vitality, एक energy होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को mirror कर रहे हैं, एक दूसरे को support कर रहे हैं, कोई dead yes ऐसा नहीं है कि you are going to die together, you are going to live together जैसे commonly कहा भी जाता है। So I would suggest कि सारी चेंज, सारा रिलेशनशिप आप से शुरू होगा। आप अगर ठीक हैं तो हर दूसरा शख्स या आपके रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपके अंदर अपने इश्यूज को अगर आप पिन पॉइंट कर लें और आपको ये पता हो कि ये मेरी बाउंड्री है, ये ठीक हो सकता है, ये नहीं ठीक हो सकता, और उसके ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपका काम है उसके ऊपर फिर एक्ट करना, उसके ऊपर फिर ये इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ ये अल्लाह के भरोसे से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड देन टेक एन एक्शन ऑन दैट। बिल्कुल सही है। और जो एक फेमस चाइनीज प्रोवर्ब है कि talk does not cook rice. True. Unless you do something on it, unless you work upon yourself. लोग दूसरों में जो है वो उनके जो है आँख में जो है वो तिनके तलाश करते हैं और अपनी आँख का शहतीर नहीं नज़र आता लोगों को और लोगों के आप चीज़ों में, उनकी पर्सनैलिटीज़ में आप इश्यूज़ जो है निकालते हैं और अपने आप और अपने इनवर्ड थिंकिंग नहीं करते, अपना सोल सर्चिंग नहीं करते। हम इस पे बात करेंगे और इंशाल्लाह ये कपल ऑफ होंगे प्रोग्राम्स रिलेशनशिप सीरीज़ के इरम के साथ इंशाल्लाह, और लोगों को भी मैं दावत दूंगा, वो भी ज्वाइन करेंगे। इस स्पेशल सेशन को एंड करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि रिलेशनशिप्स शुड बी अ सेफ हेवन, नॉट हंटिंग ग्राउंड्स, और सर्वाइवल का मसला नहीं होना चाहिए।
Thank you very much, Iram. It is always like always a pleasure to have you on this show, and look forward to doing it more often. Thank you very much, Iram. Thank you. And thank you, Umar J. Qureshi. Thank you for all the facilities. Thank you.